नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। हरदोई योगी सरकार एक एंटी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर काबिज माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफियाओं के द्वारा आज भी सरकारी एवं गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला संडीला तहसील के थाना कासिमपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत अकोहरा निवादा का प्रकाश में आया। अकोहरा निवासी 80 वर्षीय झम्मन पुत्र चंदन बीते 31/8/2022 को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ को दिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि हमारी भूमि घाटा संख्या 556 खा क्षेत्रफल 02530 हेक्टेयर पर विपक्षी ग्राम प्रधान रतन पुत्र मंगू संजय संतोष पुत्र गण राम रतन निवासी बडेल खेड़ा मजरा अकोहरा निवादा ने जबरदस्ती गुंडई दबंगई कर प्रार्थी की खड़ी धान की फसल में नींव खोद कर नवनिर्माण कराना चाहते हैं, जिसके लिए नवनिर्माण की सामग्री मौके पर पड़ी है जिसे तत्काल हटाया जाए। प्रार्थी अत्यंत गरीब किस्म का वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी के पास उपरोक्त भूमि के अलावा अन्य कोई उपजाऊ भूमि नहीं है। कई वर्ष पूर्व में प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा पैमाइश कराकर मेड़ाबंदी करा दी गई थी। मौके पर मौजूद प्रार्थी की पुत्री को विपक्षियों ने गाली गलौज किया, जिसके संबंध में थाना कासिम में शिकायती पत्र दिया पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपरोक्त प्रार्थी के घाटा संख्या में विपक्षी वर्तमान ग्राम प्रधान को अवैध निर्माण कराने के तत्काल रोका जाए। पीड़ित झम्मन के अनुसार उन्होंने अपने पुराने पट्टे की भूमि को बरकरार बनाए रखने के लिए तहसीलदार राजीव यादव जिलाधिकारी देवेंद्र पाल संडीला जिलाधिकारी हरदोई सहित स्थानीय थाने पर कई प्रार्थना पत्र दिए, जिनके संबंध में पट्टे भूमि के पैमाइश करने पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल धीरेन्द्र सिंह उक्त भूमि को संक्रमणीय भूमि बताने के चलते बने। इसके अनुसार उक्त मामले की रिपोर्ट बनाकर उप जिलाधिकारी को सौंप दी है। आदेश मिलते ही टीम बनाकर पुनः पैमाइश की जाएगी। वृद्ध पीड़ित जम्मन के अनुसार उन्हें थाने बुलाए जाने के पश्चात विपक्षी निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। क्षेत्रीय लेखपाल के विपक्षियों के पक्ष में नापाई कर दी है। मौके पर पुलिस की मौजूदगी में ग्राम प्रधान के पुत्रों ने लाठी डंडों के साथ दड़ा दड़ा कर मार पिटाई करने का प्रयास किया। पुलिस मौके पर मूकदर्शक बन वीडियो बनाती रही। उप जिलाधिकारी का सरकारी फोन न उठाने के दौरान मामले संबंधी जानकारी देते हुए तहसीलदार ने बताया कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है, प्रार्थना पत्र आते हैं मैं उन्हें आगे भेज देता हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं कि पीड़ित को मेरे समक्ष पुनः भेजा जाए। जबकि क्षेत्रीय लेखपाल ने गोलमोल जवाब देते हुए मामले को टालने का प्रयास किया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि जिम्मेदार व भूमाफिया प्रवृत्ति के वर्तमान प्रधान के साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या ऐसे भूमाफियाओं पर कभी कोई कार्यवाही नहीं होगी या गरीब वृद्ध पट्टा धारकों को न्याय मिल सकता है? वृद्ध पीड़ित आज भी न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटकने को मजबूर है। जीवन 24 के लिए हरदोई से पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट। है आपका गुमदा देवी। तुम्हारे पति का क्या नाम है? हम्मन। कौन गांव है? जकसरवा। कौन थाना पड़ता है? अकोहरा निवादा कासिमपुर थाना। तहसील संडीला। अच्छा, क्या मामला है अम्मा? यह है बहुत चकबंदी और ये सब मेड़बंदी हमका मिले साहेब बहुत दिन का हमारा पट्टा है और जबरदस्ती हमारे सगे यो प्रधान को वाट दिन और जबरदस्ती हमारे सगा के तक ये गरीब हैं और बूढ़ हैं, कई कुछ नहीं पाई हैं यही के पर हमारे पल्ला का सबकी नहीं है साहेब, सबकी हो बढ़ती का हमारे हम बढ़ी है तो हमारे ये कमजोर जान कहीं हमारे में यो वकीन है गुंडई। अच्छा अम्मा, शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शासन से आप क्या चाहती हैं? काम साहेब हम पर जमीन चाहते हैं। कौशल कुमार। पिता का नाम? श्री सुराज। गांव? ग्राम बड़े। थाना? कासिमपुर। तहसील संडीला। क्या मामला है? मामला सर यहाँ पे ये है, प्रधान दबंगई से ये झम्मन के खेत में जबरदस्ती अपना मकान बनाना चाह रहा है। ऐसा क्यों आता है? आम आता धमकाता है और जबरदस्ती के खेत में मकान बना रहा है। ऐसा क्यों जबरदस्ती सर कर रहा है? नहीं तो भूमि प्रधान की है? नहीं, भूमि प्रधान की नहीं, झम्मन की है। झम्मन की है जी। आप कैसे कह सकते हैं कि झम्मन की है? सर हमारे जब से हमको ध्यान है, जब से पैदा हुए हैं तब से हम कोई पता ही यही बोलते जोते हैं। इनके प्रपत्र के आधार पर बता सकते हो सर? क्या थी? हाँ जी हाँ। गांव? ग्राम जकसरवा। थाना? थाना कासिमपुर।
क्या ये सब मामला है? सर मामला ये ऐसा है, ये आज 50 साल पहले हमारे नवादा के पंडित जगदीश प्रधान थे, उन्होंने पट्टे किए, जो 7 पट्टे हुए, वो 7 पट्टों में जब इसकी मेड़बंदी या चकबंदी हुई, उस समय में 7 पट्टेदारों में सिर्फ 3 को वहाँ पे पट्टा काबिज किया गया, जिसमें लक्ष्मण और उसमें हुरीलाल भी हैं और उसमें रामपाल भी हैं, मतलब 3 लोग वहाँ पे आए। इसके बाद जो बैलेंस बचे 4 लोग, उनका कहीं पे पट्टा नहीं निकाला गया और वो मेड़बंदी हुई। उन मेड़बंदी में जिसको जहाँ लेखपाल कानून गो ने बिठाया, वो अभी तक वहाँ पे काबिज हैं। इसके बाद 6 पंचवर्षीय 7 पंचवर्षीय हो गई, किसी प्रधान ने उस जगह पे कोई एक्शन नहीं लिया और किसी ने कोई ऑप्शन उठाया नहीं। अब ये नए प्रधान हमारे बड़ेल खेड़ा के हुए, जो राम रतन है, के पिता का नाम मंगू है, इन्होंने अपने पर इलेक्शन में जीतने के बाद में इन्होंने एक तरीका ये फरमाया कि अगला पंचवर्षीय मिले ना मिले वो बात अलग की है, हमें कुछ अपने लड़कों के लिए बना लेना चाहिए। तो उन्होंने जमीन को नापना स्टार्ट करवाया, फरमाइश स्टार्ट करवाई, जिनको वहाँ जो लगा कि उचित जगह अपने योग्य है, उस जगहों की फरमाइश करवाई। और वहाँ फरमाइश करवाने के बाद में अपने लड़के के नाम से वहाँ पर मकान बनवाने लगे। जब वो मकान बनने लगा वहाँ पे, हम लोगों ने उसका एक्शन लिया और वहाँ पे अपने लोगों से मिलकर सहमति से उस मकान के लिए रोक लगाई। तो उन्होंने काम रोक करके, उन्होंने 4 दिन के अंदर हमें समय लिया कि अपना ईंटा उठा लूँगा, फिर भी ईंटा नहीं उठाया। और उसके बाद में उन्होंने अपनी बाहर बाहर से कार्रवाई पूरी करके अपने भतीजे के नाम से, चंद्रपाल ने अपने चाचे के लड़के के नाम का पट्टा वहाँ पे काबिज करा दिया, क्योंकि उसका पट्टा इस भूमि में जो 7 लोग हैं उनमें से है, उसके नाम से पट्टा ले करवा के वहाँ पे मतलब जगह दिखा के दबंगई से वो मकान वहाँ बना रहे हैं। हालांकि चंद्रपाल का पट्टा नपा है हाल में ही, इसी भूमि के साथ उसको रोड के उस साइड भी 301 सेक्टर पड़ता है, वहाँ पे काबिज कराया, लेकिन जब वो दूर हो गया इस चौराहे से तो उस जगह को अमान्य कर दिया, और जो नज़दीक है चौराहे के मेन जगह है, उस जगह को उन्होंने काबिज करने के लिए ये फार्मूला अपनाया कि हम अपने भाई चाचा के लड़के चंद्रपाल को वहाँ काबिज करा दें, ताकि उसका पट्टा भी है, बीच में हमारी जगह भी मिल जाएगी और उसके नाम से मकान मैं बनाऊंगा और उसका पट्टा मैं 301 में जब आएगा तो उसको निकला लूँगा। अगली चकबंदी में या अगली पंचवर्षीय में जैसा भी होगा, जब 7 को वहाँ आवंटित होगा तो मेरा भी हो जाएगा। क्लियर मामला सर यही है, हम लोगों ने जो आपत्तियाँ लगाई हैं। दादा ये जो ज़मीन का मामला है ये सब क्या है बताइए। साहब हमका कानून को लेखपाल हमका नाप के दिन है, पट्टा हुआ है हमारा 50 साल के ऊपर हो गया, सिरदारी में लगा है और हम ये मैं कब्जा किए, अत्ते प्रधान हो गए, कौनों नहीं कब्जा किया, राम रतन प्रधान हुए तो हमारे पर जबरदस्ती नाप के घर मकान बना है। आपके पट्टे वाली ज़मीन पर? हाँ। ये किस ग्राम पंचायत में है? नवादा है। नवादा है, तो ये कौन सी जगह पर वो मकान बना ले रहे हैं? वो आगे है, तिराहे पर है, रोड पर है, ग्राम पंचायत नवादा में। हाँ। कौन से मजरे में है ये जमीन? कोहरा नवादा मगर जकसरवा। अकोहरा नवादा? हाँ, जकसरवा है, जकसरवा है। हाँ। जकसरवा के पास ये जमीन है। हाँ। तो ये काहे बनाए ले रहे हैं भाई, आपके पट्टे की जमीन है भाई? जबरदस्ती साहब। हाँ, जबरदस्ती बनाए ले रहे हैं प्रधान जी? हाँ, कहें 3 लाख रुपया हम इलेक्शन में लड़ा हुआ। हाँ। तो वो हम तुम्हारे मक्की जमीन बेचेंगे। अच्छा। हाँ। फिर आपने शिकायत की? हम कहीं ने शिकायत साहब की, हमका देखा जाए जब नाप ली नहीं था, ऐसी ऐसी डबरी थाने पाने, कोई हमारा अप्लीकेशन नहीं सुना गया। तो उन्होंने अपने आप नाप लिया? हाँ। या लेखपाल आया था नाप? लेखपाल आवा है। हाँ। नाप का है। हाँ। तब तो हम बेड़ा गिरा दे रही, अब झूठ नहीं बोल गए। यानी लेखपाल ने भी उनके ही पक्ष में आपके पट्टे की जमीन को नाप दिया? हाँ, नाप दी नहीं तो मेरा घर दी नहीं, मेरा हम गिरा दे रही, खेत जुतवा करके अपने धान लगा डरे, कोई बात नहीं, धान अब इतना बड़ा भवा तब काट के यहाँ खुद का बना दी। हाँ, दीवाल जुड़वा दी है तो हम दीवाल गिरवा दें सर। फिर आप देखो जो कुछ होगा। पुलिस को शिकायत की है? पुलिस आ ही रह रहा था। फिर और लिख लीजिए, कहने की जाओ, कोई बात नहीं। ये क्या मामला है, एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें पुलिस भी खड़ी है, आप लोग भाग रहे हैं, कोई मार पिटाई कर रहा है? ये काल की बात है सर। हाँ हाँ, काल यहाँ दीवार जोड़ते रहे और
तमाम मेहरिया उनकी आई रहे, हमारे घर के बिटिया बहन तो ही रहे और घर घर लाठी डंडा धमका रहे हैं। तो क्या वो प्रधान भी थे? हाँ, प्रधान क्या कर रहे थे? प्रधान का लड़का था, तीन थे। कौन कौन? का नाम है वो लिखवा का संजय रहे। और कौन लड़का था? हाँ, संतोष और एक साधु है, चंद्रपाल। तो ये सब मार रहे थे, फिर क्या हुआ? हाँ, जो रे हमारी लड़की पर यहाँ सरियावार भी नहीं संजय। हाँ, नहीं पुलिस तो थी, पुलिस ने नहीं बचाया, पुलिस खड़ी रही।